हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया जॉब से संबंधित एक बड़ा अपडेट है। 226 प्लस वैकेंसीज निकाली है NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। तो ये वैकेंसीज मेंटेनेंस एसोसिएट, ट्रैफिक कंट्रोलर, सिग्नल ऑपरेटर और इसके अलावा कुछ अन्य पोस्ट जैसे कि प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस तरह की वैकेंसीज़ हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे शॉर्ट में, तो मैं इसके बारे में आपको क्वालिफिकेशन बता दूं। तो लिंक अप्लाई करने का आ चुका है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए ज़्यादातर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किसी में भी हो या तीनों में हो। इसके अलावा कुछ क्वालिफिकेशंस के लिए ITI या फिर कुछ के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग यानी कि पॉलीटेक्निकल का डिप्लोमा मांगा गया है। डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जिससे पहले मैं कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। आज फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो भी हमारा चैनल कंपटीशन तक पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अभी डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन है और ये अप्लाई नाउ का लिंक है। तो पहले नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, एकदम लाइव चीज़ें दिखा रहा हूँ। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, आज फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसके लिए 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। काम करने की बात करें तो आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और ये कॉरिडोर जो 3 डेवलप हो रहे हैं, इनके लिए वैकेंसीज है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली गुरुग्राम, SNB अलवर। अब क्वालिफिकेशन वाइज पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ। मेंटेनेंस एसोसिएट, इसके लिए आप देख सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रीम में डिप्लोमा मांगा गया है, जो मैकेनिकल है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल में। और वैकेंसीज आपके सामने हैं, मैकेनिकल की 2 है, मेंटेनेंस की 36 है, मेंटेनेंस एसोसिएट, इलेक्ट्रॉनिक्स 22 है, इलेक्ट्रिकल की 36 थी, सिविल की 2 है, एज 28 ईयर्स और 3 साल का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर BCA या फिर BSc IT। तो टेक्नीशियन के लिए ITI इन रिलीवेंट डिसिप्लिन और स्टेशन कंट्रोलर के लिए 67 वैकेंसीज है सबसे ज़्यादा। 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इक्विवेलेंट या फिर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बाकी क्राइटेरिया सेम है, जो रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है इसके लिए वो भी मान्य रहेंगे। तो इस डिटेल्स थी, पूरा नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल के लिए मिनिमम आपको इसमें काम करना है। ये जॉब है। पेमेंट की बात करें, तीनों की एक्सप्लेन की गई है, 23,000 प्लस है।